Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन के। बहुत दिनों के बाद हम आप तक कोविड की न्यूज ला रहे हैं। हम आपको डराने के लिए न्यूज नहीं ला रहे हैं, बल्कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप तक ये फ्रेश न्यूज पहुंचा रहे हैं। एक फ्रेश कोविड वार्निंग आज की है यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के आसपास, इंग्लैंड के एरिया में। ये फ्रेश कोविड वार्निंग जो है, इसे आप कह सकते हैं ग्रैंड चाइल्ड ऑफ ओमिक्रॉन। जिस तरह से साइंटिस्ट बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं, ये बहुत ही ट्रांसमिसिबल है। HB1 इसका नाम है और ओमिक्रॉन का ये एक हिसाब में देखो तो पोता जैसा माना जा रहा है, जो कि क्रिसमस के अराउंड में जब लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो फैल सकता है। न्यू दिल्ली में इस तरह की बात जब एक्सपर्ट्स ने सुनाई तो डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इस बात को बता दिया है कि 20% ऑफ न्यू कोविड केसेस US से आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इंडिया इस पर एक्शन लेगा और उस ट्रैवलिंग टाइम पर अच्छी एयरपोर्ट पर चेकिंग करेगा तो यह वायरस ऑब्वियस बात है कि ज्यादा नहीं फैलेगा। वहीं इसराइल और हमास के वॉर के बीच में आप बता रहे हैं फिलिस्तीन का कंडीशन क्या है, हमास का क्या मामला चल रहा है। तो हमास ने 24 होस्टेज एक्सचेंज किया है, 39 फिलिस्तीन प्रिजनर्स जो है इसमें अटक थे, यानी कि एक दूसरे को एक्सचेंज हो चुके हैं। हमास के बाद जो लोग थे उन्होंने छोड़ दिया 24 लोगों को, और एक्सचेंज में 39 पैलेस्टाइन प्रिजनर्स थे, सीज फायर में जो स्वैप हो गए थे उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो है एक सीज फायर हो चुकी है और दोनों अब जो है एक बीच वाला रास्ता निभा रहे हैं। इस बात की हमें बहुत ही जो है खुशी हो रही है, कहीं ना कहीं ये वॉर थोड़ी देर के लिए रुक चुका है, हमेशा के लिए वॉर रुक जाए और पीस हो फिलिस्तीन में, हम यही दुआ कर रहे हैं। कैप्टन प्रजनाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो अब इस दुनिया से चल बसे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है जान की दांव पर लगा कर उन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी है, यानी कि शहीद वो हो चुके हैं। 29 साल के थे, 63 राष्ट्रीय राइफल्स में उन्होंने जो है टेररिस्ट के साथ लड़ रहे थे राजौरी सेक्टर में, और लड़ते वक्त उनकी इसमें जान चली गई और वो शहीद हो चुके हैं। उनकी फैमिली बहुत ही गमगीन है, ऑब्वियस बात है। कैप्टन प्रजनाल जो है एक ही बेटे थे, उनके फादर एम वेंकटेश XMD रह चुके हैं और उनकी माता जी अनुराधा वेंकटेश इस मौके सिद्धरमैया और साथ साथ गवर्नर जी यहाँ पर मौजूद रहे, और उनके आखिरी जो है रिचुअल्स जो होते हैं उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें अलविदा करा दिया है। अफगानिस्तान ने परमानेंटली क्लोज कर दिया है इंडियन एम्बेसी को दिल्ली में, पॉलिसी शिफ्ट उन्होंने इस बात को कही है। दिल्ली में अफगानिस्तान की एम्बेसी थी और वो एम्बेसी को अब उन्होंने बंद कर दिया है। डिप्लोमेटिक मिशन न्यू दिल्ली में जो रखा जा रहा था इफेक्टिव होगा 23 नवंबर से, जो चैलेंजेस इंडियन गवर्नमेंट तरफ से कंटिन्यू आते जा रहे हैं उस पर उन्होंने ये डिसीजन लिया है और अपने इस एम्बेसी को बंद कर दिया है। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज उमरा सर्विसेज दिसंबर डिलक्स उमरा पैकेज ओनली एट 98,000 रुपीज। 16 दिसंबर को डिपार्चर है, 30 दिसंबर को रिटर्न है। विजिट करें जागेदर कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनाम पेट्रोल पंप नियर पाकिस्तान दरगाह रोड गुलबर्गा। दिसंबर 9 लास्ट डेट है फाइलिंग को ऑब्जेक्शंस के ड्राफ्ट वोटर रोल्स की ग्रेजुएट कॉन्स्टिटेंसी के लिए। जी हाँ, इस बात पर हम आपको बताते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रेजुएट कॉन्स्टिटेंसी MLC इलेक्शन जो होते हैं वो बहुत जल्द होने वाले हैं, और इसी को चलते कृष्णा बजपाई इलेक्ट्रल रोल्स के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो हेड हैं उन्होंने ये बात बताई है, और साथ साथ फौजा तरन जी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी यहाँ पर मौजूद रहे। B.R. अम्बेडकर जी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, आज ये बहुत ही खुशखबरी हो रही है कि 76 ईयर्स के इंडिपेंडेंस के बाद उनकी अब स्टैच्यू सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस में लगाई जाएगी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इसको इनॉग्रेट करेंगे 10:30 बजे और ये लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। का सीधे हम स्टेट न्यूज में लाते हैं, स्टेट न्यूज में आपको बताते हैं, स्टेट में बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना में आप तस्वीर देख के हैरान हो जाएंगे, कितने करोड़ रुपए हैं ये, अंदाजा लगाइए कितने करोड़ रुपए। मैं बता रहा हूँ आप सबको कि रंगारेड्डी तेलंगाना में 5 करोड़ रुपए अनअकाउंटेड कैश मिली एक कार से। ऑब्वियस बात है इलेक्शन में पैसे लगने वाले थे, लेकिन गवर्नमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया है। IT डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स ने फर्दर जो है इनएक्शन लेने के लिए बात की है गच्चीबौली पुलिस की थ्रू। यहाँ ये कैश मिला है रंगारेड्डी तेलंगाना से 5 करोड़ रुपीस। वहीं तेलंगाना के KTR ने कहा कि रियल एस्टेट मार्केट गिर चुकी है,
कर्नाटक में जब से कांग्रेस पावर में आई है। के टी रामा रॉय जो वर्किंग प्रेसिडेंट है बीआरएस की और तेलंगाना इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कहा है कि 28% डिक्लाइन है रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कर्नाटक में जब से कांग्रेस ने पावर अज्यूम किया है। रियल एस्टेट समिट वो हैदराबाद में कर रहे थे, उन्होंने बताया कि कांग्रेस के आने से इतना जो है लॉस हुआ है कर्नाटक को। और उन्होंने कहा स्टेबल गवर्नमेंट दी है बीआरएस ने तेलंगाना को, वही डिसीजन ले, इस तरह की बात कही। उसके बाद गुलप्रकाश से हम बात करते हैं जहां पर एक एफआईआर दर्ज किया गया है। हाल ही में आपने देखा कि एक वीडियो रिलीज हो गया था जिसमें एटम बम फूटने के बाद उसके पेपर्स थे, उस पर पेपर्स पर अरबी लिखी हुई थी, कुरान के आयात लिखे हुए थे। उसी को चलते हुए ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन में क्रैकर मैन्युफैक्चर कंपनी के खिलाफ एक एक्शन लेने की बात की जा रही है, रिहर्टिंग रिलीजियस सेंटीमेंट्स ऑफ मुस्लिम्स, और उसका एफआईआर नंबर 0222023 IPC 1860। इसमें आप अली मिलाही के साथ साथ कई सारे जो है नौजवान इस मूवमेंट में नजर आए हैं। अगर आपका डेटा लॉस्ट हो गया हो तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उस्मान डेटा रिकवरी सर्विसेज आपके साथ है। हार्ड डिस्क, लॉजिकल या फिजिकल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डीवीडी रिपेयर, ये सारी चीजें होती हैं रिकवर उस्मान डेटा रिकवरी के पास। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। उसके बाद हम बात करें, हाल ही में जनाब आलम खान साहब को सहकर्तना अवार्ड दिया गया था सीएम की तरफ से फॉर इज वंडरफुल सर्विसेज इन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और उसी को चलते हुए जनाब अकबर साहब और साथ साथ कॉर्पोरेटर खुसरो जागीरदार और सभी लोगों ने मिलकर उन्हें फेलिसिटेट किया उनके घर पर। बड़ा उर्स मुबारक, आस्थान मखदूम इलाही अमीन पीर दरगाह कड़पा आंध्र प्रदेश का बड़ा उर्स। हजरत सूफी सरमस्त सानी चिलाकश ख्वाजा सैयद शाह आरिफुल्ला मोहम्मद मोहम्मद अल हुसैनी चिश्तुल खादरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ, यहाँ संदल मुबारक आ रहा है 26 नवंबर 2023, उर्स मुबारक 27 नवंबर, मुशायरा होगा 28 नवंबर को, समा खानी यानी खवाली होगी 29 नवंबर को, जुलूस निकलेगा 30 नवंबर 2023 को। उसके बाद हम बात करते हैं 1 दिसंबर यानी दस्तर की आवाज फुखार का लंगर, जेर सरप्रस्ती हजरत ख्वाजा सैयद शाह आरिफुल्ला मोहम्मद मोहम्मद अल हुसैनी 11वें सज्जादा नशी व मुतवली आस्थान मखदूम इलाही अमीन पीर दरगाह कड़पा मौला का पहाड़ करचल्ला नंदलूर दरगाह आंध्र प्रदेश। आशिकाने औलिया से गुजारिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप आए और इस उर्स में शिरकत करें और फैज हासिल करें। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में, जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे पोस्टेज स्टैम्प की तरह हो, यानी कि एक बार चिपक जाओ, यानी पॉजिटिव बोलना चाह रहा हूं मैं आपको कि एक बार वो चीज के पीछे पड़ गए तो जब तक वो चीज वहां तक नहीं पहुंचती लगे रहो, इस तरह की बात की जा रही है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umra Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. Benefits of eggs हम बता रहे हैं, vitamin K इसमें है, खास बात जो आपको बहुत ही important काम करता है, कोलालाइन है, विटामिन ए विटामिन ई है, कैल्शियम विटामिन डी, प्रोटीन है, फोलेट है, जिंक है, बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है एग्स के। संडे हो या मंडे रोज का अंडे। कमेंट सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय हैशटाउन प्रीमियम हिल प्लॉट्स ऑन हुन्नाबाद रोड। जी हाँ, हुन्नाबाद रोड पर आपको मिलते हैं हैशटाउन के एक्सक्लूसिव ये प्लॉट, जो कि बहुत ही बेस्ट प्राइस में आपको मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं, तो देर ना करें, अभी स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। उसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया शेख एजाज अहमद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम तारब जुमा मुबारक। लिखा है नौशीन जी ने, लिखा है पेशेंस परसिस्टेंस एंड परसपेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ सक्सेस। बिल्कुल सही कहा आपने। आसिफ हकीम ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम तारब भाई, खैरियत। आसिफ हकीम अबू धाबी UAE से और बात कर रहे हैं, रेगुलर आपकी न्यूज़ फॉलो करता हूं और लाइक करता हूं, जज़ाकअल्लाह खैर। थैंक यू सो मच आसिफ हकीम साहब, थैंक यू सो मच। तारब आप जैसे मेरे कमेंट पढ़ने के लिए लिखे हैं, सलाम लिखे हैं सैयद खलील, थैंक यू। इंजीनियर रहमान ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया हलाल को लेकर। सैयद खलील लिख रहे हैं, हमारी आपकी न्यूज़ की शुरुआत हमारा दिन बना देती है परदेश में। ताहिर भाई आपके बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको और तरक्की दे। शुक्रिया मेरे भाई, आप लोगों से NRIs के लिए भी काम करने के लिए बहुत खुशी होती है। मेरा तबसुन में सलाम लिखा है। गयासुद्दीन लिख रहे हैं, इंसान की उम्र छोटी होती है जब तक
रहे, किसी से झगड़ना ना करें। सही बात है। तार पे खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह लिख रहे हैं सैयद मेक। फातिमा सुफियान बंगी लिख रहे हैं वेरी वेल एक्सप्लेन अबाउट हलाल, शुक्रिया भाई। सेमी बाग लिख रहे हैं तार भाई, वो ही मन था कि कुछ भी बकवास करता नया नया, अभी लिख रहे हैं तार भाई। बिल्कुल सही कहा आपने, वो भी बात सही है। उसको आरजी ने बिस्किट नहीं दे के अपने डॉगी को दिया, इसलिए वो ऐसा बकवास करता है, लिखे हैं। ऐसे से लिखे, आई वुड अप्रिशिएट इफ यू कुड अपलोड ए वीडियो एक्सप्लेनिंग अबाउट हाउ टू बी ए ग्रेजुएट वोटर फॉर एमएलसी इलेक्शंस। मैं जरूर उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। मोहम्मद जावेद लिख रहे हैं, फलस्तीन जाना है तो क्या करना पड़ेगा? फलस्तीन जाने के लिए फिलहाल कंडीशंस आइडियल नहीं है। तार दिन ब दिन आप साल में आपकी टीम को काम शानदार हो रहा है, लिखे हैं सैयद अली, बहुत बहुत शुक्रिया। हबीब लिख रहे हैं, अगर हलाल और मीट या कोई प्रोडक्ट को इससे परेशानी है, अगर योगी में दम है तो कबीर जो कि एक नॉन मुस्लिम की कंपनी है जो पूरे गल्फ में हलाल के प्रोडक्ट सेल करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसा भी चलते रहता है। सैयद अहमद, बुरखे में जो चोर है वो आदमी का हाथ लग रहा, इतना बड़ा हाथ लेडीज का नहीं रहता, लिख रहे हैं सैयद अहमद। हसीना बेगम लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, थैंक यू फॉर योर न्यूज। शिकुता मानो ने लिखे, जन्नत नसीब करें। हलीमा मसद लिख रही है, अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, गुड इवनिंग, वेरी नाइस थॉट ऑफ द डे, लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, शाहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।